I think what we are trying to bring out is that Dalit women are also an integral part of the Indian society. And because of the intersectionality which is laid around their bodies and their lives of caste, class, and gender, similar to the black women in the US, I think we have to bring out what are the co core concerns. And one of the major aspects relating to the lives of Dalit women and girls is sexual violence, which many of us have already shared. So I don't want to go into what are the issues, but I think I want to pinpoint is that one is the entire question of state impunity. वो बहुत जरूरी है कि किस तरह से प्रशासन की निष्क्रियता है जिसकी वजह से ये जो पूरी स्थिति है वो डामाडोल है, बहुत ही करुणदायक है. एंड एज द एनसीआरबीज 2019 डेटा सेज दैट एवरी डे 10 दलित वुमेन एंड गर्ल्स आर बीइंग रेप्ड. इट्स नॉट ओनली रेप, इट्स गैंग रेप, इट्स ऑल्सो रेप एंड मर्डर, इट्स सेक्शुअल ट्रैफिकिंग, एवरीथिंग. एंड वॉट सुजाता ऑल्सो सेड अबाउट टेम्पल प्रोस्टिट्यूशन, देवदास, एवरीथिंग इज देयर. सो द पॉइंट इज where do we start with? And we all know we are in the midst of corona. We are in a situation that we can't protest because of the pandemic. So the best way we thought was to organize a social media campaign. So ye social media campaign jo hum shuru karne ja rahe hain 19th July se is saal ke, and it will go on for 1.5 months. So it will go on until 31st August. And I think this campaign will bring out specific issues related to the forms of sexual violence, the patterns of sexual violence, किस तरह से जो ये जो घटनाएं बनी है उसमें स्टेट का क्या रवैया है, पुलिस का क्या रवैया, जुडिशरी का क्या रवैया है, किस तरह से इन महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती की जाती है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, इन्हें दबाया जाता है, उन्हें कहा जाता है कि अगर तुम्हें इस गाँव में रहना है तो तुम्हें इन सब चीजों का को स्वीकार के ही जीना पड़ेगा, एज व्हाट आवर फ्रेंड्स आर सेइंग. सो द पॉइंट इज कि क्या करने वाले हैं हम 1.5 महीने में. इस 1.5 महीने में हम लैंडमार्क केसेस को हाईलाइट करेंगे. आप सब जानते हैं भवरी देवी का केस राजस्थान से जहां से शुरू हुआ, एंड यू ऑल नो दैट वी हैड विशाखा गाइडलाइन, नाउ वी हैव प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, सब हो गया लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला. तो 1985 और भवरी देवी का 90s का केस है, 85 से लेकर 2020, 2020 वाज द लास्ट ईयर वाज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट हाथरस. तो सारे इकट्ठे हो गए, सब शोर मचाने लगे, बट नोबडी इज नाउ डिस्कसिंग व्हाट इज हैपनिंग टू द केस. आई थिंक द पॉइंट फॉर अस टू रेज दिस इश्यू थ्रू द सोशल मीडिया कैंपेन इज वी वॉन्ट दलित वुमेन टू गेट जस्टिस एंड दे कैन लिव विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये चीज को हाईलाइट करने के लिए एंड सेइंग दैट कि वो जैसे हम बात कर रहे हैं कि देयर बॉडीज आर नॉट देयर टू बी जस्ट अब्यूज्ड एंड रेप्ड, दे आर ह्यूमन बीइंग्स. दलित वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स. आई थिंक दिस इज व्हाट वी वांट. वी वांट दिस इशू टू बिकम अ नेशनल इशू. जय भीम, जय भीम, जिंदाबाद, 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 जय भीम.